राज ठाकरे ने और एक विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को भोंगे हटाए जाएंगे, उस पर क्या? देखिए, हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील साहब, महाराष्ट्र के DG और औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से एक सवाल करना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह के धमकियाँ अगर कोई देता है कि 4 तारीख तक अगर ऐसा करो, अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? और जिस अंदाज में उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी है कि अगर ये सीधे से माने तो ठीक, अगर नहीं माने तो एक बार होने दो, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या होने दो, क्या चाहते हैं आप? ये पुलिस ने हमको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। और जो बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, वहाँ पर मौजूद लोगों को समझ में आ गई है, वो पुलिस को, सरकार को और प्रशासन को समझ में आई है या नहीं आई है, ये हमारे को देखना है। और अगर आ गई है तो उसके ऊपर आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं, ये भी हमको देखने का है। और अगर नहीं करेंगे तो ये भी हमको समझाना है उनको कि अगर उनके मुंह में जबान है तो जबान हमारे मुंह में भी है, अगर वो बोल सकते हैं तो बोल हम भी सकते हैं, अगर कानून उनके लिए बना हुआ है तो वही कानून मेरे लिए भी बना हुआ है, अगर आप उनके बोलने के ऊपर खामोश है तो कल जब मैं बोलूँगा तो मेरे बोलने के ऊपर भी आपको खामोश रहना पड़ेगा। क्या आप डिमांड करेंगे उस पर केस रजिस्टर्ड हो? ये देखिए, हम तो कोई डिमांड नहीं करेंगे, हम तो देखना चाहते हैं कि उस पूरे राजनीतिक खेल के अंदर कौन कैसे कैसे पत्ते डाल रहा है करके। हम तो ये देखना चाहते हैं कि अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली, बलवान और सुपरमैन सरकार कहने वाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना इतना धमकी भरे अंदाज के अंदर कोई यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र दिन के अंदर ऐसा बोलकर चला जाता है तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, हम देखना चाहेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अब आगे हम भी बताएंगे कि हम क्या करेंगे। सर, पुलिस ने परमिशन देते समय 16 टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे, वो पूरे जितने भी कंडीशंस लगाए गए थे, पुलिस ने कहा था कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वो पूरे कंडीशन जो है उसका उल्लंघन हुआ है, उसका वायलेशन हुआ है। अब हमको ये देखना है कि अगर ये पूरा वायलेशन अगर हुआ है तो आप क्या करते हैं हमारे ऊपर, तो छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर कि कोरोना के पीरियड के अंदर बाहर निकले, केस रजिस्टर कर डालो, कोई कार्यक्रम के अंदर जाके बैठे, केस रजिस्टर कर डालो, 12 केसेस हमारे ऊपर रजिस्टर कर दिए हैं। और इतना होने के ऊपर अगर उनके ऊपर नहीं करेंगे तो हम भी देखेंगे। शरद पवार को लेकर काफी देर में भाषण, देखिए बात ये है कि मैं चूंकि वो शरद पवार को डायरेक्टली कह रहे थे, मेरा इस ताल्लुक से ये कहना है कि भाई कौन धर्म मानता है नहीं मानता है, कौन नास्तिक है कौन आस्तिक है, ये इंडिविजुअल चॉइस है और उसको ये अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब उन्होंने धार्मिक नहीं है वो, तो ये इसमें आपके पेट में क्यों दर्द दे रहा है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते हैं तो क्या उसका कानून है ये? हम तो कम अज कम ये जो महापुरुष जिनके नाम लेकर ये अपनी दुकानें चलाते हैं, हमने कभी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन लोगों के नाम का इस्तेमाल नहीं किए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है? राज साहब, अगर आपने पढ़े नहीं है तो आप मुझसे कहिए कि कौन सी भाषा आपको समझ में आती है, मैं आपको एक पुस्तक भेजता हूँ छत्रपति। और उनके 5% भी अगर गुण अपने अंदर आ जाते तो आप वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो आप औरंगाबाद के अंदर करके गए हैं। फुले शाहू अम्बेडकर कौन थे? अगर आप देखेंगे तो उनके पैर की, उनके जूती की धूल के बराबर भी नहीं है। आप सिर्फ नाम लेना और अपनी दुकानें चलाना, अपने दुकान के अंदर है तो अपनी रोशनी सजाने के लिए मुल्क को जला देना, ये आपकी सियासत अगर है तो अब आगे का वक्त कैसा आने वाला है आप खुद समझ सकते हैं। 4 तारीख का अल्टीमेटम वापिस से दिया है भोंगे उतारने के लिए मस्जिद, अल्टीमेटम है तो सरकार को अब देखना है उसके अंदर। कोई भी आएगा, कोई भी खड़े रहेगा, उसके अंदर हो सकता है कि कल के दिन हम अगर कोई अल्टीमेटम अगर दे डाले तो वो अल्टीमेटम का क्या होगा? ये मुल्क जो है वो कानून के हिसाब से चलेगा। कानून के हिसाब से मतलब जिस संविधान के अंदर जितना इख्तियार दिया गया है उसके हिसाब से चलेगा, मोदी जी के मर्जी के हिसाब से नहीं, अमित शाह के मर्जी के हिसाब से नहीं, राज ठाकरे के मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। कानून है और जो कानून उनके लिए है वही कानून मेरे लिए है। और अगर उनकी जबान के ऊपर अगर पुलिस खामोश रहेगी तो कल हमारे मुंह में भी जबान है, हम भी उस जबान का इस्तेमाल करेंगे। सर, यूपी में जिस तरह से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर ये सरकार से आप सवाल पूछिएगा या आप क्या करने वाले हैं करके, ये सरकार से पूछिएगा।
सरकार इसका जवाब देना चाहिए, क्या कानून है, आप क्या कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार भी थी इससे पहले। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जिन बीजेपी के इशारों के ऊपर ये सब प्रोग्राम किए जा रहे हैं, नफरतों के जो दरारें और दीवारें पैदा की जा रही है इस मुल्क के अंदर, उनकी सरकार महाराष्ट्र के अंदर भी 2014 से 19 के बीच में थी, शिवसेना के साथ में थी, अभी केंद्र के अंदर उनकी सरकार है। आप उनसे जाके पूछिए कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो आप खामोश क्यों थे, आपने क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया है, ये उनसे पूछिएगा जाके उसमें। लेकिन आपको किसी ने ये अख्तियार नहीं दिया है, कोई अधिकार नहीं है आपके पास ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का। और अगर आप ये भाषा का इस्तेमाल करके अगर बाहर निकल जाते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आज आप ये भी सुन लीजिएगा कि इम्तियाज जलील के मुंह में भी जबान है, और जितनी बड़ी सभा आपने लिए है उससे दुगनी सभा हम लेंगे, और उसके अंदर फिर हमारा अल्टीमेटम क्या रहेगा ये भी हम बताएंगे। महंगाई के मुद्दे को या कुछ और इश्यू को लेकर बात नहीं करते हुए स्टेज पर पूरा राजनीतिक मामला। देखिए, आज अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये बताना चाहिए था कि आज महाराष्ट्र दिन है, महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी आज, आज उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहिए था, महाराष्ट्र को किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, पेट्रोल डीजल गैस के सिलेंडर अनाज सब्जी फल इसकी महंगी बढ़ती कीमतों को हम कैसा रोक सकते हैं इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत थी उसके अंदर। लेकिन नहीं, सबको ऐसा लगता है कि अगर मुझे राजनीति के अंदर ऊँचा मुकाम हासिल करना है तो मुसलमानों को पकड़ो, मुसलमानों को गालियां दो, मुसलमानों के जितने हम मुद्दे उठा सकते हैं उनके खिलाफ जितना बोलेंगे तो हमारा मुकाम है तो बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं उनको बताऊंगा कि अब मुल्क बदल गया है, नौजवान पीढ़ी चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, कोई भी हो, हर एक को समझ में आने लग गया है कि नेता जो बोल रहा है अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा है, अपनी दुकान चमकाने के लिए बोल रहा है, तो कोई भी आपके झांसे वांसे के अंदर आने वाला नहीं है।